Hello student, today we see the next unit. In next unit the topic is, that is, what is antenna and classification of antenna. Okay, so see, the first it is the what is antenna. Antenna is nothing but a metallic structure which is used to cover radio frequency signal into the electric current. ओके, एंटीना क्या होता है, दैट इज़ द मेटालिक स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड, किसके लिए यूज़ होता है, फॉर कवरिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक करंट. ओके, द एंटीना इज द ट्रांसड्यूसर्स विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म. ओके, एंटीना क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है. ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी कन्वर्ट करना. ओके, सो दिस इज द एंटीना. व्हाट इज एंटीना, दिस इज ऑल अबाउट फॉर व्हाट इज एंटीना. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीना. Classification of antenna, the types of antenna, it is two types of antenna, that is, one it is resonant antenna and second it is non-resonant antenna. Okay, so see, in comparison form, the parameter first it is definition. The resonant antenna, this, the transmission line of length equal to multiplies by lambda by 2. ओके, इसकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कैसी होती है, लैम्ब्डा बाय 2 को मल्टीप्लाई रहती है. ओके, और नॉन रेजोनेंट की कैसी होती है, इट इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन हुज लेंथ इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2. ओके, सेकेंड पैरामीटर देखो, टर्मिनेशन, दीज आर ओपन एट बोथ द एंड. ओके, इसके जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं. ओके, नॉन रेजोनेंट के कैसे होते हैं, दीज आर टर्मिनल्स प्रॉपरली, मीन्स इसके जो टर्मिनल होते हैं दोनों प्रॉपर होते हैं. ओके, थर्ड देखो क्या है, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कैसा होता है रेजोनेंट एंटीना का, दैट इज स्टैंडिंग वेव प्रेजेंट. इसमें क्या होता है, जो भी स्टैंडिंग वेव्स होती है वो प्रेजेंट होती है और नॉन रेजोनेंट में वो अब्सेंट होती है. ओके, नेक्स्ट इसका देखो, रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा. अभी रेजोनेंट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न होगा बाई डायरेक्शनल. ओके, मीन्स दोनों साइड से वो क्या होगा, ट्रांसमिट करेगा. ओके, और जो नॉन रेजोनेंट है उसका होता है यूनिडायरेक्शनल. ओके, यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही साइड से कम ज़्यादा वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा. ओके, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एंटीना. ओके, एंड सी द नेक्स्ट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन इन एंटीना. सो सी द फर्स्ट टर्म और डेफिनेशन, दैट इज एंटीना गेन. ओके, द डायरेक्शनल एंटीना रेडिएट मोर पावर इन अ सर्टन डायरेक्शन, दिस पावर इज कॉल्ड एज एंटीना गेन. ओके, एंटीना गेन क्या होता है, जो भी आपका डायरेक्शनल एंटीना होता है वो कैसे होता है, रेडिएट करता है मोर पावर इन सर्टन डायरेक्शन में, उसको ही हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एंटीना गेन. ओके, अभी पावर गेन का देखो क्या है, पावर गेन का ऑलरेडी फॉर्मूला है, दैट इज़ पावर फिट टू आइसोट्रोपिक एंटीना डिवाइडेड बाय पावर फिट टू डायरेक्शनल एंटीना. ओके, इस पे से ही हम लोग अभी डेफिनेशन देखो, पावर गेन इज़ द रिलेशन ऑफ पावर फिट टू आइसोट्रोपिक एंटीना टू द पावर फिट टू डायरेक्शनल एंटीना. ओके, सो इन दोनों का क्या है, ये रेशियो है. नेक्स्ट देखो, दैट इज़ द डायरेक्टिविटी. डायरेक्टिविटी का भी फॉर्मूला है क्या है, मैक्सिमम डायरेक्टिव
गेन. ओके, सो डेफिनेशन क्या बनेगी? डायरेक्टिविटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन विच इज ऑब्टेन इन ओनली वन डायरेक्शन इन विच रेडिएशन मैक्सिमम. ओके, इसमें क्या है, रेडिएशन जिस डायरेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन मिलेगा आप लोगों को वो क्या रहेगा, दैट इज़ द डायरेक्टिविटी. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड अनदर डेफिनेशंस विल बी सी इन नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस इज रिमेनिंग. सो जो भी बचे हुए हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग. ओके, सो थैंक यू.